तेजस्वी की मुद्दे की सियासत बीजेपी पर पड़ेगी भारी, नौकरी की बात पर पीएम मोदी को घिरा। बीजेपी और मोदी जी के नेताओं से मुद्दे और काम की बात सुनना असंभव है। आखिर क्यों देश की अर्थव्यवस्था खराब और चौपट हुई, इस पर बात शिक्षा चिकित्सा पर आप लोग क्यों नहीं सुनते हैं? कभी गलती से इनकी जुबान पर पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई चिकित्सा की बात नहीं है। इधर उधर की बेकार की बातें करनी है, अगर बेकार की बात सुननी है तो भाजपा से सुनिए, काम की बात सुननी है, तरक्की की बात हम लोग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव, पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा निर्दलीय लड़ेंगे उपचुनाव, किसकी बढ़ेगी टेंशन। लाहौर स्पीति विधानसभा क्षेत्र में अब उपचुनाव त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहां पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इस बीच पूर्ववर्ती जयराम ठाकुर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामलाल मारकंडा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। डॉक्टर रामलाल मारकंडा 13 मई को अपना नामांकन भरेंगे। अखिलेश यादव की टिप्पणी पर भड़की मायावती, कहा माफ करना मुश्किल सपा का। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से मुक्त कर दिया था, जिसके बाद सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई थी। अब मायावती ने एक्स के माध्यम से सपा पर निशाना साधा है। बसपा चीफ मायावती ने एक्स पर लिखा, बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा, अगर कोई टिप्पणी और चिंता नहीं करे तो बेहतर है। योगी के मंत्री ने अखिलेश यादव के चाचा को बताया महामूर्ख, कहा वह खोखले आवरण में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव द्वारा राम मंदिर को लेकर दिए गए विवादित बयान पर साधु संतों और करोड़ों सनातनियों में गहरी नाराजगी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने राम गोपाल यादव के बयान पर करारा जवाब दिया है। मंत्री नंदी ने अपने ट्विटर यानी एक्स पर जारी बयान में कहा कि राम गोपाल यादव जो सपा के मुख्य विचारक और तथा कथित विद्वान माने जाते हैं, उनके द्वारा राम मंदिर को लेकर दिया गया यह बयान बताता है कि वे विद्वता के खोखले आवरण में छिपे हुए मूर्ख हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने इंदौर में कर दी बड़ी मांग, कहा बीजेपी फर्जी वोटिंग। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। मतदान से पहले इंदौर में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलकर 3 बड़ी मांग की है। आज यानी बुधवार कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर में जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर 3 प्रमुख मांगों को रखा। कांग्रेस के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में सबसे ज्यादा वोटिंग, क्या है इसके मायने। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए जारी मतदान के बीच मंगलवार को तीसरे चरण की वोटिंग हुई। पिछले 2 चरणों में घटी वोटिंग के बाद तीसरे चरण में संतोषजनक मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में अब तक 3 चरणों के तहत 21 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं अब बची हुई सीटों पर चौथे चरण में वोटिंग होगी। दम है तो तोड़ दे कांग्रेस से गठबंधन, सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी की स्टालिन को चुनौती। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षी दलों को घेरने में लगे हुए हैं। इस बीच पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को चुनौती दी है। पीएम ने कहा कि अगर उनमें दम है तो कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दें। दरअसल पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर ये टिप्पणी की। सैम पित्रोदा ने कहा था कि दक्षिण में लोग अफ्रीकन लोगों जैसे दिखते हैं। उनके इस बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया और राहुल गांधी से सवाल किया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा का इस्तीफा, भारी पड़ा रंगभेद से जुड़ा बयान। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। ये जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी है। इस बाबत उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। बताते चले कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। बयानबाजी की इसी कड़ी में बीते दिनों उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी। भारतीयों ने ऐसे बजाया दुनिया में डंका, फ्रांस चीन को पछाड़ इंडिया बना नंबर 1। दुनिया में जब आर्थिक मंदी जैसे हालात बने हुए हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बनी हुई है। भारत का ये करिश्मा क्या कम था, जो अब उसने एक नया कीर्तिमान भी बना लिया है। भारत ने चीन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में डंका बजाया है। और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भारतीयों ने अपने देश सबसे ज्यादा पैसा विदेश से स्वदेश भेजा है। ये राम और रावण का संघर्ष है, पीएम मोदी को चुनौती देती हूँ, मेरे भाई से मुद्दों पर बहस करें, मोदी पर बरसी प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटी हैं। अपने आक्रामक अंदाज में प्रियंका गांधी बीजेपी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तीखे वार कर रही हैं। कांग्रेस समर्थक चाहते थे कि प्रियंका इस बार रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया।